जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद खोखे, दुकानों के शेड्स और गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया गया। देही इलाकों में भी मिलेगा अब साफ पानी, सहूलियात और सेहत की होगी रवानी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का 10,000 गैलन की इस्तेदाद के हामिल वाटर प्लांट का गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फतेहपुर मखदूम रशीद में इफ्तिताह। निजी सेक्टर की भी प्लांट लगाने में हौसला अफजाई करने का अहदिया दे दिया। मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट केस की तहकीकात, मुलजमान की जानिब से सूबाई कवायद को नजरअंदाज करने का इंकशाफ। मुलजमान ने कवानीन के बरक्स NHA के रेट के हिसाब से तखमीना बनाकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। मियां बीवी जुर्म की दुनिया में भी बराबर के शरीक, मुल्तान से शराब फरोश मियां बीवी गिरफ्तार। थाना पाक गेट पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मंशियात की खेप पकड़ ली, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। बुरे काम का बुरा अंजाम, बहावलपुर में महकमे सुई गैस का मुलाजिम रिश्वत लेने पर गिरफ्तार। मुतासरा खानदान ने मुलजिम की रिश्वत लेने की वीडियो बनाकर IRM सुई गैस को दी। मुलजिम ने घर में गैस मीटर लगाने के नाम पर पैसे मांगे थे। सखी सरवर से MNA सरताज गुल को वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान, सरताज गुल को वफाकी वजीर महकमे मौसमियात का कलमदान सौंपे जाएगा। रहीम यार खान में जनूबी पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर की 2 रोजा ट्रेनिंग का आखिरी रोज, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट आशिक हुसैन सांगी ने पानी की अहमियत पर आगाही लेक्चर दिया। रहीम यार खान में रेस्क्यूअर्स की महाना जायजा मीटिंग का इनेकाद, चारों तहसीलों के रेस्क्यू एंड सेफ्टी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर को कारकर्दगी बारे ब्रीफ किया। और रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन ने अहलकारों की फायर पिट चैलेंज के नेशनल मुकाबले के हवाले से तैयारियां जारी, चारों तहसीलों से रेस्क्यू अहलकारों की टीम बना दी गई।